आज का हमारा व्याख्यान है भारतीय राजनीति में स्त्री पुरुष भागीदारी। राजनीति में स्त्री पुरुष की भूमिका और भागीदारी का प्रश्न सामाजिक जीवन की दो धारणाओं पुरुषवाद और नारीवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पुरुषवाद की मान्यता है कि पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ तथा अधिक क्षमतावान है, अतः स्त्रियों पर उनका वर्चस्व रहना चाहिए, जबकि नारीवाद की मान्यता है कि पुरुष के साथ श्रेष्ठता और स्त्री के साथ निकृष्टता की बात प्रकृति ने नहीं वरन समाज ने जोड़ी है। सिमोन दे बुआ ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स में दर्शन शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान और मानव शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर कहा कि स्त्रियों का दमन इतिहास और संस्कृति की उपज है तथा इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं समझा जा सकता है। नारीवाद की मान्यता यह है कि स्त्री उतनी श्रेष्ठ है जितने के पुरुष तथा स्त्रियों के जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान भागीदारी निभाने का अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। नारीवाद और राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीति और राजनीतिक कार्य व्यवहार से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए। स्त्रियों को मताधिकार तथा प्रतिनिधिक संस्थाओं में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। शासन प्रशासन में निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनकी भागीदारी पुरुषों के समान होनी चाहिए। महिलाओं की परिस्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1990 में सुझाव दिया है कि निर्णय लेने वाली सभी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 30% होनी चाहिए। सैद्धांतिक तौर पर यह बात सभी देशों ने स्वीकार कर ली है, परंतु व्यवहार में प्रतिनिधिक संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। एक सर्वेक्षण में बतलाया गया है कि विभिन्न देशों की संसदों में कुल मिलाकर महिलाओं को 15.1% प्रतिनिधित्व तथा मंत्री परिषदों में लगभग 6% स्थान प्राप्त है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। सबसे पहले है राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। 1914 तक महिलाओं ने स्वाधीनता आंदोलन में परोक्ष भूमिका ही निभाई। इसके बाद महिलाओं ने निश्चित ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया। उसके बाद गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों में बढ़कर भाग लिया। विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार में उनकी भूमिका पुरुषों से बढ़कर थी। 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर भारतीय महिला संघ की स्थापना की। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को प्रेरणा दी। अरुणा आसफअली ने जयप्रकाश और लोहिया के साथ जुड़कर भारत छोड़ो आंदोलन को शक्ति देने के लिए भूमिगत आंदोलन चलाया। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख संविधान निर्माण सभा की कुछ प्रमुख महिला सदस्य थी। संविधान सभा में उनकी संख्या 5% से भी कम थी। अब हम बात करते हैं संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति। समस्त विश्व की प्रतिनिधिक संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 18.4% है। पाकिस्तान में 20.6%, बांग्लादेश में 19% है। भारत में 2019 में लोकसभा में 78 महिला सांसद अर्थात लगभग 15%। इस प्रकार भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कम है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष महिला रह चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी है। व्यवहारिक राजनीतिक की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पद है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल भी महिलाएँ रह चुकी है या वर्तमान में है। जैसे वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कम से कम 1/3 स्थानों के लगभग 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण प्रावधानों में से लगभग 37% महिलाएँ विभिन्न पदों पर नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। 2009-10 में कुछ राज्यों की पंचायती राज संस्था
पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इन संस्थाओं में महिलाओं ने सामान्यतया रचनात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया है। अब हम चर्चा करते हैं विधायी संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु उपाय। विधायी संस्थाओं लोकसभा और राज्य विधानसभाएं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए दो मार्ग अपनाए जा सकते हैं। प्रथम, कानून बनाकर इन संस्थाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में 10%, पाकिस्तान में 17%, अर्जेंटीना में 27% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। द्वितीय, राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि उनके द्वारा अपने उम्मीदवारों में से एक निश्चित प्रतिशत महिला उम्मीदवार होने चाहिए। भारत में कुछ व्यक्तियों और राजनीतिक दलों द्वारा द्वितीय मार्ग अपनाने का सुझाव दिया गया, लेकिन प्रमुख दलों कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दल ने प्रथम मार्ग पर ही बल दिया है। धन्यवाद।